हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है दिवाली क्रैकर्स के ऊपर। और आज मैं आपको सारी क्रैकर्स जला के दिखाऊंगा कि इनमें से कौन से सबसे अच्छा है और सबके प्राइस भी बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आता है ये फुलझड़ी, जो मुझे पड़ा है 100 रुपये का और इस पर 10 पीसेज हैं। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे मैं आपको जला के दिखाऊंगा इनमें ये कैसा है और ये कितना अच्छा जलेगा। अब दूसरे नंबर पर आएगा हमारे पास बीड़ी बम। बीड़ी बम आप लोगों ने फोड़ा होगा, ये एकदम कॉमन सा है लेकिन ये पानी में भी फूट जाता है, ये अच्छा होता है, ये भी बच्चों के लिए ठीक रहता है। ये मुझे पड़ा है 40 रुपये का और इसमें पीस होंगे 50 या 60। अब दूसरे नंबर पे आता है ये बुलेट बम जो 120 रुपये का पड़ा है मुझे और इसमें 10 पीसेज हैं। अब इसको भी हम जला के दिखाएंगे कि ये कैसे फूटता है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है ये चरखरी, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है और ये मुझे 120 रुपये की पड़ी है। और फिर इसको हम जला के दिखाएंगे कैसे चलता है। अब मेरे पास है ये एक पीस बस आलू बम का, जो बहुत तेज़ फूटता है, तो मैंने इसको एक ही ख़रीदा, ये मुझे एक पीस 15 रुपये का पड़ा है। अब हमारे पास आता है ये अनार फ्लावर पॉट, जो मुझे 120 रुपये का पड़ा है और इसमें 10 पीसेज है। तो दोस्तों चलिए अब हम इन सारे पटाखों को फोड़ के दिखाते हैं। फ्रेंड्स हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं इस बीड़ी बम का और देखते हैं कैसे फूटता है। फ्रेंड्स अब हम ट्राई करने जा रहे हैं बीड़ी बम का, देखते हैं कैसे फूटता है। ये काफी तेज था। अब हम दूसरे का ट्राई करते हैं, ये भी काफी तेज फूटेगा। आप देख सकते हैं ये बीड़ी बम बहुत तेज फूटता है और ये पानी में भी फूट सकते हैं। अब हम दूसरा पटाखा ट्राई करेंगे। सेकंड नंबर पे हम इस फुलझड़ी को जला के देखेंगे और देखते हैं ये कैसे जलती है। फ्रेंड्स अब हम फुलझड़ी का टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये कितनी देर तक जलती है और कितनी अच्छी जलती है। इसे जलने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। वैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जल चुकी है। अब हम इसे देखते हैं ये कितनी देर तक जलेगी। वैसे ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है और इसे जलाने में भी बहुत मजा आता है। दिवाली के लिए ये बहुत इको फ्रेंडली रहती है और ये ग्रीन क्रैकर्स में भी आती है। तो फ्रेंड्स अभी खत्म होने वाली है, मैं इसको फेंक देता हूँ। अब हम दूसरे क्रैकर्स की ओर चलते। फोर्थ नंबर पे अब हम इस चरखरी का टेस्ट करेंगे, देखते हैं ये कैसे जलती है। फ्रेंड्स अब हम चरखरी को जला के देखते हैं और देखते हैं ये कितनी देर तक जलती है। इसे थोड़ा टाइम लगता है वैसे जलने में, लेकिन जल्दी जल जाएगी। फ्रेंड्स ये जल चुकी है, अब इसे देखते हैं कितनी देर तक जलती है। ये ज़्यादा देर तक नहीं जली, तो हम एक और का ट्राई करके देखते हैं। फ्रेंड्स वो वाली चरखरी ज़्यादा देर तक नहीं जली, तो हम इसका ट्राई करते हैं, ये देखते हैं ये उससे ज़्यादा देर तक जलेगी या ये भी उतनी देर तक जलेगी। वैसे चरखरी जलाने में अच्छा लगता है, मज़ा भी बहुत आता है। ये जल चुकी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जली, ये उससे देर तक जली, वो वाली चरखरी खराब थी। अब हम दूसरे पटाखे का टेस्ट करते हैं। नंबर पे हम ये फ्लावर पॉट्स यानी कि अनार को टेस्ट करके देखेंगे और देखेंगे ये कैसे जलेगा। फ्रेंड्स अब हम अनार को जला के देखते हैं और देखते हैं ये कितनी तेज जलता है। वैसे तो अनार बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, ये जल चुका है। अब आप देखिए कैसे जलेगा। ये काफी अच्छा था, अब हम दूसरे पटाखे को फोड़ेंगे। इस नंबर पे हम इस बुलेट बम का टेस्ट करेंगे, देखते हैं ये कितनी तेज फूटता है। अब हम बुलेट बम फोड़ के देखते हैं और देखते हैं ये कितनी तेज फूटता है। वैसे तो ये बहुत तेज फूटता है, इसे सावधानी से फोड़ना चाहिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितनी तेज फूटा। अब हम दूसरे पटाखे का ट्राई करें। ये जो हमारा लास्ट पटाखा है हम इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स ये कितनी तेज फूटता है। फ्रेंड्स अब हम अपना लास्ट पटाखा ट्राई करेंगे और देखेंगे ये कैसे कितनी तेज फूटता है। अब ये इसमें आग नहीं लगी। आप देख सकते हैं ये कितनी तेज फूटा, सारे पटाखों में से सबसे तेज यही वाला पटाखा था। अब इस वीडियो को एंड हम यहीं करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।